हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टीना अपनी फ्रेंड मीशा के साथ थिएटर से बाहर निकल रही थी, तभी टीना बोलती है, मीशा यार मूवी देखने के बाद बहुत भूख लगी है, आइसक्रीम लेकर आना। यार तुझे कितने बार बोला है मुझे मीशा नहीं मीश बोल। अच्छा मैं हम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती, तू वेट कर। ठीक है मैं यही हूँ, तू जल्दी लेकर आ। मीशा दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और उसे आइसक्रीम देती है, तभी दोनों आइसक्रीम खाने लगती है। वाह यार कितनी टेस्टी लग रही है, हम दोनों ने कितने दिन बाद खाई है ना आइसक्रीम। बटर स्कॉच मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। हाय तू भी कुछ बोल ना पागल। मिश मैं भी बहुत समय बाद खा रही हूँ, बट मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरा ना मन तीखा खाने को कर रहा है, बहुत स्पाइसी बिल्कुल मसालेदार। ऐसा कर तू ये आइसक्रीम खा ले, मैं कुछ और खा लूंगी। ठीक है मैं खा लूंगी तेरी आइसक्रीम। मीशा दोनों आइसक्रीम खा लेती है, फिर दोनों थोड़ी आगे जाती है जहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट होता है। दोनों वहाँ जाकर वेटर को ऑर्डर करते हुए बोलती है, वेटर आपके यहाँ मेन्यू का बेस्ट स्पाइसी फूड क्या है? हमारे यहाँ का बेस्ट स्पाइसी एक लार्ज साइज का मोमो है, वो बहुत तीखा होता है, प्लस उसकी मोमो सॉस भी काफी तीखी होती है। अगर कोई इसे 2 मिनट में फिनिश कर ले तो हमारे यहाँ आपको सारा का सारा फूड फ्री मिलेगा, आप कुछ भी खा सकती हैं। रियली ठीक है तो आप ये ले आओ और एक वेज रोल स्टीम मोमोज ले आना। ओए इतना तीखा और बड़ा मोमोज मंगा रही है, पागल है क्या, कैसे खाएगी तो इतनी जल्दी। खा लूंगी मेरा बहुत मन कर रहा है, भैया आप ले आइए। ओके मैम। वेटर उनका कुछ देर में ही ऑर्डर लेकर आ जाता है। लार्ज साइज का मोमो देखकर टीना के मुंह में पानी आने लगता है। OMG ये तो कितना बिग है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं तो खा रही हूँ। भैया मैं खाना स्टार्ट करूँ? ओके मैम योर टाइम स्टार्ट नाउ। पीटर की बात सुनकर टीना खाने लगती है और 2 मिनट से पहले ही सारा खाना खत्म कर लेती है, जिसके बाद उन्हें फ्री खाना मिलता है। दोनों काफी क्वांटिटी में खाना खाती है और पेट भरने के बाद टीना डकार मार कर बोलती है, वाह यार आज कितना पेट भर कर खाना खाया, मजा आ गया यार, जितना बड़ा मोमो था ना उतना ही तीखा था, मजा आ गया। मेरी जुबान जल रही है ये नॉर्मल मोमोज खाकर, मन कर रहा है दोबारा आइसक्रीम खा लूं। तो पागल है, तुझे इतना तीखा नहीं खाना चाहिए, तेरा पेट खराब होगा और तो और अगले दिन तुझे वॉशरूम में पता चलेगा जब आग निकलेगी। कुछ नहीं होगा, तुझे बर्दाश्त नहीं है ना, इसलिए अभी तेरे मुंह और कान से धुआं निकल रहा है। मेरी जुबान जल रही है, चलना इनसे पूछ आइसक्रीम है तो ला कर दे, फ्री है ना सब कुछ यहाँ पर। मैं मंगवा देती हूँ, टीना वेटर से कहकर आइसक्रीम ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से खाकर निकल जाती है तो मीशा बोलती है, अब जान में जाना ही मेरे, जब से मेरे होंठ गाल जीभ सब जल रहे थे, आइसक्रीम खाकर थोड़ा रिलीफ मिला और मुझे वो स्पाइसी मोमोज खाकर, हे भगवान उस मोमोज की तीखी दुनिया से बाहर आ। दोनों अपने घर वापस आती है, ऐसे ही रात के समय भी उसे तीखा खाने की क्रेविंग होती है तो वो मैगी बनाती है जिसमें लंबी लंबी हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर डालती है। मैगी बनाने के बाद वो जैसे ही खाने बैठती है तो उसकी दोस्त मीशा का वीडियो कॉल आता है, जिसे वो पिक करती है और बोलती है, क्या कर रही है, आराम से पहुंच गई थी ना तू? हाँ पागल मैं पहुंच गई थी, देख मैंने मैगी बनाई है बहुत टेस्टी है, मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से खाने का, पता है मैंने कैसे बनाई? ले तू अपनी आंखों से ही देख ले। तूने इस मैगी में इतनी हरी मिर्च डाली है, वो भी इतनी लंबी लंबी काट कर, यार तू इंसान है कि मॉन्स्टर? मत खा यार बहुत तीखी है, तबीयत खराब हो जाएगी, नॉर्मल तीखा खा ले ज्यादा मन कर रहा है तो। अबे कुछ नहीं होगा चुपचाप खाने दे, तूने खाना खाया या नहीं? खा लिया था लेकिन तेरी तीखी मैगी देखकर मेरा और पेट भर गया है। ठीक है मत खा मैं अकेले ही खा लूंगी। मैं कौन सा वीडियो कॉल से निकलकर तेरी ये मिर्च वाली मैगी खाने आ रही हूँ, वैसे भी तू अकेले है और सामने होती भी ना तो भी मैं नहीं खाती। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं। अगले दिन टीना किसी काम से बाहर गई थी, वो आ ही रही होती है कि उसे भूख लगने लगती है तो सामने गोलगप्पे के ठेले को देखकर वो वहाँ चली जाती है जहाँ गोलगप्पे वाला नहीं होता और कोई मोनिक नाम का लड़का भी गोलगप्पे वाले का वेट कर रहा होता है, लेकिन टीना उसे ही गोलगप्पे वाला समझकर उससे गोलगप्पे मांगती है। अरे सुनिए जरा गोलगप्पे देना भैया, और हाँ तीखा डालकर बनाना। एक्सक्यूज मी
मैं वो गोलगप्पे खाने। अरे क्या एक्सक्यूज भी कर रहे हो, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से एक प्लेट तीखी पानी पूरी खिलाओ। अब देख क्या रहे हो, खिलाओ ना, लड़की देखी नहीं है क्या कभी? जी जी देता हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़की को कहाँ से गोलगप्पे वाला नजर आ रहा हूँ, इतना डैशिंग चार्मिंग लुक में हूँ मैं, ये लड़की फोर्स कर रही है, अब तो मुझे ये खिलाना ही पड़ेगा। ये बोलकर मोनिक उसे तीखी मिर्ची वाले गोलगप्पे डालकर खिलाने लगता है। टीना गपा गप खा भी लेती है। इतने में ही गोलगप्पे वाला वहाँ आ जाता है और मोनिक को बोलता है, शुक्रिया बेटा मेरा ठेला देखने के लिए। अरे तुम गोलगप्पे खिला रहे हो? मैं तो नहीं खिला रहा था अंकल, पर इन्हें लगा कि मैं ही गोलगप्पे वाला हूँ और ये जिद करने लग गई, तो खिलाना ही पड़ा। अरे भैया आप हैं गोलगप्पे वाले, इसका मतलब मैंने आपको गलत समझ लिया। आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पहले खा लीजिए। जी सॉरी सॉरी, मैंने आपको बाय मिस्टेक और भूख लगने की वजह से गोलगप्पे वाला समझ लिया। इट्स ओके, आपकी जगह कोई भी होता तो शायद यही समझता। अंकल मुझे गोलगप्पे दीजिए ना, लेकिन मीठे वाले। क्यों, आप तीखा नहीं खाते? जी मुझे पसंद नहीं है। ओह कोई नहीं। अरे बिटिया तुम्हें और खाने हैं गोलगप्पे? हाँ अंकल जी, तीखा बनाकर दीजिए बहुत। इस तरह दोनों गोलगप्पे खाकर साथ चलने लगते हैं। तभी मोनिक बोलता है, अरे आप बहुत तीखे गोलगप्पे खाती हैं, आपको मिर्च नहीं लगती? जी नहीं, मुझे तो पसंद है मिर्ची, बहुत बहुत तीखा पसंद है, बल्कि आजकल तो मुझे तीखा खाने की क्रेविंग हो जाती है। वैसे मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, आपकी तरह ही है तो गाइए। मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजरे तिरछी, शकल फिरनी। वाह अच्छा गा लेते हो गाना, सही गाना गाया है बहुत। तुम्हारा नाम भी मिर्ची है क्या? अरे नहीं नहीं, माय नेम इज टीना शाह। वैसे तुमने मीठे गोलगप्पे खाए थे, अब तुम्हारा नाम मीठा है या तुम मीठे हो? टीना तुम भी ना, मेरा नाम मोनिक है, वो तो मैंने तुम्हारा नाम जानने के लिए ऐसे कहा था, लेकिन तुम तो। और मैंने तुम्हारा नाम जानने के लिए रोस्ट कर दिया। वाह टीना अच्छा है, अच्छा रोस्ट कर लेती हो। सही कहा, वैसे तुम रहते कहाँ हो? यहीं पास में रहता हूँ, नर्मदा कॉलोनी में। हे मैं भी वहीं रहती हूँ। रियली ये तो बहुत ही अच्छा है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? व्हाई नॉट, तो इसी बात पर कुछ पार्टी करें? हाँ बट कैसे, यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। वो रहा सामने भजिया वाला, उससे हरी मिर्च की भजिया खानी है मुझे, प्लीज प्लीज चले वहाँ। ओके चलिए। इस तरह दोनों वहाँ भजिया खाने जाते हैं। टीना खुद मिर्ची का भजिया खाती है और मोनिक को भी खिलाती है, जिसे खाने के बाद मोनिक को बहुत मिर्ची लगती है और वो अपने मुंह के पास हवा करते हुए बोलता है, टीना मुझे बहुत मिर्ची लग रही है यार, कुछ करो ना। ओह नो ज्यादा मिर्ची हो गई क्या, रुको मैं तुम्हारे लिए पास से जलेबी लेकर आती हूँ। जल्दी लाओ ना टीना। इस तरह टीना उसके लिए जलेबी ले आती है और उसे खिलाकर उसकी मिर्ची दूर करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे से काफी मिलने लगते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ दिन बाद दोनों अपने माता पिता को बताकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। टीना धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, साथ ही वो बहुत तीखा खाना बनाती है और अपने पति को तीखा खाना देती है। मोनिक लंच टाइम में जैसे ही लंच करने लगता है तो उसके दोस्त उसकी वाइफ के हाथ का बना खाना खाते हैं, जिसे खाकर उनके मुंह से धुआं निकलने लगता है और एक दोस्त बोलता है, भाई भाभी कितना तीखा खाना बनाती है, कैसे खाता है तू? मुझे तो तुमने खाने ही नहीं दिया तो कैसे बताता, वैसे तुम्हारी भाभी को तीखा खाना बहुत पसंद है। अच्छा भाई तुझे तो पचेगा ही नहीं, तूने भाभी को बताया नहीं तुझे तीखा खाना हजम नहीं होता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टाइम नहीं मिला यार उसे बताने का, शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। वैसे अच्छा है तुमने खाना खा लिया? वो तो है, चल तू मेरा टिफिन खा ले और भाभी को बता दियो उनका खाना बहुत अच्छा था पर मिर्च काफी थी। जरूर। हफ्ता बीतता है, टीना खुद तो तीखा खाना खाती साथ ही अपने पति को भी तीखा खाना बनाती, वो जैसे तैसे खा भी लेता, पर अब उसे दिक्कत होने लगी थी, वो खाना खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाया करता था, साथ ही उसके पेट में जलन होने लगी थी। तभी अपना पेट पकड़कर वो टीना से बोलता है, टीना टीना मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, कुछ करो आग सी लग रही है। मोनिक मोनिक ये क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, ऐसे अचानक क्या हो गया आपको? तुमने कड़ी में इतनी मिर्ची डाली थी,
मैंने वो खा ली और गलती मेरी ही है। मैं ही तुम्हें बता नहीं पाया कि डॉक्टर ने मुझे काफी टाइम से तीखा खाने को मना किया है। मुझे तीखा डाइजेस्ट नहीं होता। मोनिक, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तीखा खाना आपको भारी पड़ गया। आपको बताना चाहिए था ना कि आपको तीखा मना है, मैं देती ही नहीं। इसमें भी तुम्हें मेरी गलती लग रही है। स्टार्टिंग से तुम जानती हो ना मैं तीखा नहीं खाता। तुमने मुझे दवाई भी खिलाई थी, भूल गई क्या? मुझे अब दर्द हो रहा है पेट में, डॉक्टर के पास ले चलो यार। हाँ हाँ चलिए। टीना मोनिक को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ और टॉनिक दे देते हैं। मोनिक को घर वापस लाने के बाद टीना उससे वादा करती है कि अब कभी भी वो तीखा खाना ना खाएगी और ना ही मोनिक को खिलाएगी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी शहर में रूही नाम की खूबसूरत और चंचल स्वभाव की लड़की अपनी माँ सुलोचना के साथ रहा करती थी। वो उसी शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त नीरव से बोलती है। अबे नीरव कहाँ रह गया, जल्दी आ कमीने, तेरी वजह से मैं रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। घर से जल्दी निकल कर आती हूँ लेकिन यहाँ तेरे लिए वेट करती रहती हूँ मैं रोज। रूही ये बोल ही रही होती है कि तभी नीरव कॉलेज का बैग लिए हुए घर से बाहर आता है और बोलता है, आ गया मेरी माँ, अब और कितना सुनाएगी तू मुझे। जब देखो मुझसे गाली देकर ही बात करती है। अब मैं बचपन वाला नीरव नहीं हूँ, बड़ा हो चुका हूँ और तू भी बड़ी हो चुकी है, इसीलिए अब जरा तमीज से बात करना सीख जा। अबे जा ना, तू गंदी नाली में मुंह धो, आया बड़ा, तुझसे तमीज से बात करूँ मैं? अरे रहने दे, अगर तुझसे तमीज से बात करूँगी ना तो तमीज शब्द की बेइज्जती हो जाएगी। अब जल्दी से कॉलेज चल। जिसके बाद वो दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज की क्लास में वो दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और एक साथ घर आते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और नीरव एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ रूही और अपनी फोटो लिए खुद से बोलता है, क्या यार नीरव, आखिर कब तक तू अपने दिल की बात उसे नहीं बताएगा? वो तेरी बचपन की दोस्त है, अगर तुझे उसे दोस्ती से शादी के सफर में भी शामिल करना है तो उसे अपने दिल की बात तो बतानी ही पड़ेगी। नीरव खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसके पास आकर बोलती है, नीरव क्या मेरे कानों ने जो सुना वो सच है? बोल बेटा, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं? वो नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तू कब झूठ बोलता है और कब सच, और तेरी ये लड़खड़ाती जुबान साफ साफ बता रही है कि तू इस वक्त झूठ बोल रहा है। चल जल्दी बता। अपनी माँ की बात सुनकर नीरव भावुक होकर बोलता है, माँ आप तो जानती हैं कि मैं और रूही बचपन से ही साथ रहे हैं। माँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि अपने दिल की बात उसे बता सकूँ, पर वो है कि मुझसे अभी तक ऐसे बात करती है जैसे कि हम अभी भी बच्चे हों। आप ही बताओ माँ कि मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊँ? देख नीरव, कभी तो तुझे हिम्मत दिखानी ही होगी और शादी करनी ही होगी, इसलिए तू मेरी मान तो कल ही अपने दिल की बात रूही से बोल दे, क्योंकि मैं तेरी खुशी चाहती हूँ और तू देख मेरा मन कह रहा है कि उसके दिल में भी तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अपनी माँ की बात को सुनकर नीरव को हिम्मत मिलती है, जिसके बाद वो अगले दिन के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अपनी फीलिंग उसे बताने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और नीरव सो जाता है। अगली ही सुबह वो जल्दी से उठता है और खुद से बोलता है, अरे यार सुबह के 7 बजने वाले हैं, जल्दी से नहाकर रेडी हो जाता हूँ, आज ज्यादा स्मार्ट बनूंगा, तभी तो रूही को इम्प्रेस कर पाऊंगा। इस तरह नीरव नहा धोकर रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो शीशे के सामने खड़े होकर कभी अपने बालों को देखता तो कभी कोई परफ्यूम लगाता, जिसके बाद रूही उसके घर आती है और वो दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में रूही उसे बोलती है, क्या बात है, आज तो बड़ा बंटन के कॉलेज जा रहा है। आज से पहले तो तूने कभी इतना स्टाइल नहीं मारा और ये तेरे परफ्यूम की खुशबू 1 किलोमीटर दूर से ही आ रही थी मुझे। क्या बात है, कोई पसंद पसंद आ गया क्या कॉलेज में तुझे? रूही नीरव को ऐसे बोलकर चिढ़ाती है और जिसके बाद नीरव अपने मन में बोलता है, हाँ रूही मिली तो कॉलेज में ही है और वो मेरी बचपन की दोस्त रूही ही है, यानी कि तुम। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगा कि मैं बचपन से तुम्हें कितना चाहता हूँ। इस तरह रूही और नीरव कॉलेज जा ही रहे होते हैं,
कि तभी नीरव अपनी स्कूटी को एक कपल पार्क की तरफ मोड़ देता है और रूही उसे बोलती है, ओए पागल, नशे वशे में है क्या? हमें कॉलेज जाना था तो कपल पार्क में क्यों ले आया? अच्छा, कहीं यही तो तेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं आने वाली जिससे तू मुझे मिलवाने वाला था? वैसे तो कितना अच्छा और समझदार है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि मुझसे मिलवाए बिना तू अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ही नहीं सकता। अरे परमिट तो मैं ही पास करूंगी। रूही ये बोल ही रही थी कि तभी नीरव उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने पॉकेट से रोज निकालकर रूही की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, रूही थोड़ी देर पहले तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं आज इतना रेडी होकर क्यों आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रेडी होकर आया हूँ और मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, जब से हम छोटे थे। इसीलिए यार मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। नीरव की बात सुनकर रूही एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखती ही है कि तभी उसे हंसी आ जाती है और वो बोलती है, अरे यार एक बात तू मुझे सच सच बता दे, रात को तूने कौन से रोमांटिक मूवी देख ली जो मेरे साथ ही सारा ड्रामा कर रहा है? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कमीने कि तू मुझे तू की जगह तुम कहकर क्यों बुला रहा है? अरे हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, अपना ये आशिकी पना ना बाद में दिखा लियो, चल यहाँ से। और हाँ, तू बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रूही यार तू कभी तो मेरी फीलिंग्स को समझना, मैं सच में तुझसे प्यार करता हूँ, ये कोई नाटक नहीं है, मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ। रूही एक बार फिर से उसकी बात को मजाक में लेकर टाल देती है और जिसके कारण नीरव का दिल मानो टूट सा जाता है। फिर भी वो उसके साथ कॉलेज जाता है और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। नीरव उदास मन के साथ अपने घर आता है जहाँ उसकी माँ उसके चेहरे को देखते ही उससे पूछती है, नीरव क्या बात है और बेटा तू इतना उदास क्यों है? और तूने रूही को अपने दिल की बात बताई या नहीं? माँ मैंने उसे बताया था लेकिन वो हर बार की तरह मेरे दिल की बात को भी मजाक में ले गई। और तो और उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ दोस्ती है, उसने खुद ही ये बोला। नीरव की बात को सुनकर सुनीता से अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती, जिसके बाद वो रूही के दिल की सच्ची बात को जानने के लिए एक प्लान बनाती है और वो प्लान अपने बेटे नीरव को बताती है। अगली सुबह हमेशा की तरह रूही उसके घर के बाहर आती है और उसे आवाज देते हुए बोलती है, ओए नीरव जल्दी आ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? उसकी बात सुनकर नीरव की माँ सुनीता बाहर आकर बोलती है, रूही आज नीरव कॉलेज नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि मैं और उसके पापा उसे लेकर लड़की देखने जा रहे हैं। क्या इतनी जल्दी? पर क्यों आंटी? सुनीता रूही की नहीं सुनती, जिसके बाद वो नीरव और अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में प्लान के हिसाब से उस लड़की से मिलने के लिए जाने लगती है, जिसके बाद रूही बोलती है, रुकिए आंटी, नीरव मेरा बचपन का दोस्त है, मैं भी उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। इस तरह वो सारे रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पायल नाम की लड़की उसका वेट कर रही होती है। इस तरह नीरव पायल से वहाँ बात करता है और फिर पायल उसे बोलती है, नीरव तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी जल्दी, तुम जैसा पार्टनर मैं खोना नहीं चाहती। इतना बोलकर पायल नीरव के गले लग जाती है और ये देखकर रूही को जलन होने लगती है, जिसके बाद रूही उसे दूर करते हुए बोलती है, नहीं नहीं ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, हम कोई और लड़की देखेंगे। नीरव चलो मेरे साथ, आंटी आप भी चलिए। रूही नीरव के परिवार को वहाँ से लेकर जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, अरे ये मैंने क्या किया, पायल तो बहुत सुंदर दिख रही थी, नीरव के साथ अच्छी भी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी नीरव से प्यार हो गया है? इसी तरह नीरव की माँ सुनीता बार बार झूठे रिश्ते और लड़की नीरव के लिए बुलाती है, लेकिन हर बार रूही उनमें कोई ना कोई कमी निकाल दिया करती, जिसके बाद सुनीता बोलती है, रूही अब मुझे तेरी पसंद नहीं देखनी, मुझे मेरे बेटे नीरव के लिए शादी करके अपने घर में बहू लानी है, इसलिए तू घर जा और मेरे बेटे के लिए लड़की मैं खुद देख लूंगी। सुनीता के ऐसे बोलने के कारण वो रोते हुए घर चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को सारी बात बताती है
और उसकी माँ बोलती है, सारी गलती तेरी है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए सुनीता जी से बात करूँगी। अगले ही दिन सुलोचना नीरव के परिवार को अपने घर बुलाती है और रूही के दिल की बात बताती है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों की मर्जी से रूही और नीरव की शादी हो जाती है। और शादी की पहली रात नीरव उसे बोलता है, क्यों, तूने तो कहा था कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो फिर आज हम शादीशुदा कैसे हो गए और तू मेरी वाइफ कैसे बन गई? अगर माँ वो प्लान नहीं बनाती तो तू कभी भी नहीं समझ पाती कि तुझे मुझसे प्यार है। कौन सा प्लान है? उसके पूछने पर नीरव उसे सारा सच बताता है कि किस तरह उसकी माँ सुनीता ने लड़कियों को देखने और शादी की बात की थी, वो सब एक प्लान था। ये सुनकर रूही बोलती है, अच्छा जी, तो ये बात थी, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। सिर्फ माँ जी के सामने ही मैं तुझे इज्जत दूंगी और इस कमरे में तो मैं तुझसे तू दड़ाके ही बात करूंगी, समझा कमीने। इस तरह दो दोस्त अपने बचपन की प्यारी सी दोस्ती को शादी के रूप में बदल लेते हैं और उनका दोस्ती का सफर दोस्ती से शादी तक जाता है। रोहन अपनी दुकान का हिसाब किताब देख रहा था, तभी रितिका उसके पास चाय लेकर आती है। चाय टेबल पर रखते हुए वो रोहन से बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब देख रहा हूँ, लेकिन मेरे जोड़ने पर भी हिसाब सही नहीं लग पा रहा है, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। आप कहे तो मैं देखूँ एक बार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। रोहन रितिका को लेजर दे देता है, रितिका उसे पढ़ती है और कुछ ही देर बाद रोहन को हिसाब सही करके दे देती है, जिसके बाद रोहन उसे बोलता है, वाह यार, तुम्हारी मैथ तो बहुत अच्छी है, फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरी माँ के जाने के बाद मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, जिसके चलते मेरे पापा ने मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया था। ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। आपने भी तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आपके साथ क्या हुआ था? मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस घाटे में जाने लगा, जिसके बाद मैंने अपने पापा को संभाला और बिजनेस को भी, इसी कारण मेरी पढ़ाई छूट गई। लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो क्या आप मुझे पढ़ने की इजाज़त देंगे? क्यों नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं रोहन जी, चलिए चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। ठीक है। कुछ समय बाद रोहन अपने कुछ जानने वालों से बात करके रितिका का एडमिशन कॉलेज में करवा देता है। फिर रितिका का कॉलेज जाने का पहला दिन आ जाता है, रोहन उसे बोलता है, आज तुम्हारा पहला दिन है, अच्छे से जाना और अच्छे से पढ़ाई करना, नए नए दोस्त बनाना। रोहन जी, मैं आपकी कही सारी बातों को अपने ध्यान में रखूंगी। ठीक है, अब जाओ, गुड लक। थैंक यू रोहन जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रितिका अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है तो उसे नजर आता है कि कॉलेज में सभी स्टूडेंट, खासकर लड़कियाँ, कितनी सज सवर के आती है। फिर वो खुद को देखती है और बोलती है, रितिका देख खुद को कैसी लग रही है, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, अरे तू किसी भी एंगल से कॉलेज के स्टूडेंट तो लग ही नहीं रही है, सब लोग तुझे देखकर क्या सोचेंगे। एक काम करती हूँ, वॉशरूम में जाकर सब कुछ रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद बाहर आती हूँ, ताकि कोई भी मुझे देखकर मेरा मजाक न बनाए। फिर रितिका जल्दी से वॉशरूम में जाती है और अपने सुहागन होने की सारी निशानियाँ अपने ऊपर से हटा देती है। फिर वो अपनी क्लास रूम में जाती है और नए दोस्त बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। शाम को वो अपने घर आती है तो उसकी सास रितिका को बिल्कुल सादा देखकर बोलती है, बहू, ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? तुझे नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे कभी कॉलेज ही नहीं जाने देंगी, फिर क्या बात हो सकती है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ खो गई? माँ जी आप ही बता दीजिए ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? अच्छा, आप इन सब की बात कर रही हैं? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे ये तो छोटी सी बात है, मैं सब कुछ अभी दोबारा पहन लूंगी। तुझे ये छोटी बात लग रही है?
अरे ये सब एक सुहागन का धन होता है जिससे उसके पति की उम्र हमेशा लंबी रहती है। माँ जी वो सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉलेज में ये सब पहनकर जाती तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते, बस इसलिए मैंने उतार दिया था। अगर तू शादीशुदा है तो इसमें गलत क्या है? लोगों को पता लगने दे कि तू शादीशुदा है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू मेरे बेटे को पसंद ही नहीं करती और तू सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तू कल से कॉलेज में ये सब उतार कर नहीं जाएगी बल्कि पहन कर जाएगी। ठीक है माँ जी। फिर रितिका अपने कमरे में चली जाती है और रोहन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रोहन घर आता है। वो रितिका के पास जाता है और उससे बोलता है, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? दिन तो बहुत अच्छा था, लेकिन लेकिन क्या बताओ, कुछ हुआ है क्या? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, कॉलेज में किसी ने कुछ नहीं कहा, बस माँ जी ने कहा। माँ ने क्या कहा? माँ ने रितिका रोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो रोहन से पूछती है, अब आप भी बताइए, अगर मैं कॉलेज में ये सब पहन कर जाऊंगी तो कैसा लगेगा, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देखो तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूँगा। ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती। ठीक है। रोहन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने में रितिका सबके लिए खाना लगा देती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब रितिका अपने कॉलेज के लिए रेडी होकर बाहर आती है तो वो एक कुंवारी लड़की ही लग रही थी, जिसे देखकर उसकी सास फिर से गुस्सा करने लगती है और वो उससे बोलती है, ये क्या बहू, मैंने तुझे कल ही समझाया था और इतनी जल्दी तो भूल भी गई। नहीं माँ जी, मैं आपकी बात नहीं भूली हूँ, लेकिन मैंने रोहन जी से परमिशन ले ली थी। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है? ऐसा नहीं है माँ जी। रितिका और प्रेरणा की बहस हो रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर रोहन वहाँ आता है और आकर अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ? बेटा देखना ये कैसे कॉलेज जा रही है। अच्छी तो लग रही है माँ, और कॉलेज में ऐसे ही जाया जाता है? लेकिन इसने अपने सुहागन होने की सारी निशानियों को खुद से अलग कर दिया है। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो अलग नहीं किया ना, सब ठीक है। प्रेरणा अपने बेटे की बातों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाती। वो रितिका को ऐसे ही कॉलेज जाने की इजाज़त दे देती है। रितिका रोहन से बोलती है, थैंक यू सो मच रोहन जी। कोई बात नहीं, अब तुम कॉलेज जाओ, लेट हो रही होगी ना। हाँ जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी। इसके बाद रितिका अपनी कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब उसकी कॉलेज में काफी दोस्त बनने लगे थे। वो उनके साथ एकदम वैसे ही मजे किया करती थी जैसे कि एक कॉलेज की लड़की करती है। वो वहाँ जाकर ये बात पूरी तरह भूल जाती थी कि वो एक शादीशुदा लड़की है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कॉलेज में एक नए लड़के का एडमिशन होता है। वो बहुत ही हैंडसम और अमीर था। कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। रितिका भी उसकी खूबसूरती से नहीं बच पाती और उसको देखने के बाद वो खुद से बोलती है, कितना हैंडसम है ये और कितना क्यूट भी, और एक मेरा पति है, किसी भी एंगल से स्मार्ट लगता ही नहीं है। अरे पापा ने भी पता नहीं मेरी शादी इतनी जल्दी में क्यों कर दी, और की भी तो ऐसे आदमी से जिसकी ना शक्ल है ना सूरत। रितिका खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके पास वो लड़का आता है और रितिका से बोलता है, हेलो। हेलो, आई एम अखिल। रितिका, नाइस नेम। थैंक यू। मैं इस कॉलेज में नया हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़ा गाइड कर देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद रितिका अखिल को पूरा कॉलेज घुमाती है। ऐसे ही साथ में घूमते घूमते उनके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रितिका अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताया करती। जब वो घर पर होती तो भी फोन पर अखिल के साथ ही बात करती रहती। एक दिन वो अखिल से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और वो रितिका से बोलती है, बहू किससे बात कर रही है? माँ जी आ गई, मैं रखती हूँ। किसी से नहीं माँ जी, बस एक कॉलेज की फ्रेंड थी। अच्छा, मुझे जरा अपना फोन तो दिखा। क्यों माँ जी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? जितना कहा है उतना कर। प्रेरणा उससे फोन मांग ही रही थी कि तभी वहाँ रोहन आता है और वो बोलता है, क्या बात है माँ? बेटा ये किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी और मैंने जब कहा कि अपना फोन दिखा तो दिखा नहीं रही, अब तू ही देख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना कोई फोन, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है।
पर बेटा। माँ प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। ऐसा कहकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। फिर रितिका रोहन से बोलती है, थैंक यू रोहन जी, आप मेरा कितना साथ देते हैं। पति हूँ तुम्हारा, साथ देना तो बनता है। रितिका रोहन और अपनी सास से झूठ बोलती रहती है और अखिल से छुप छुप कर मिलने लगती है। एक दिन अखिल उसको लेकर अपने घर जाता है। वहाँ जाकर वो उससे पूछता है, क्या खाना चाहेंगी आप? जो भी आप प्यार से खिला दें। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अखिल किचन में जाता है और दोनों के लिए खाना लेकर आता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अखिल रितिका से बोलता है, रितिका मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो अखिल। चलो क्यों ना हम एक हो जाएं? मतलब? मतलब कि मैं तुम में खोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अखिल रितिका के करीब आने लगता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रितिका ऐसा नहीं करती और उससे बोलती है, देखो अखिल ये सब ठीक नहीं है। पर अभी तो तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर अब एकदम से क्या हो गया? देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार में बस अपने पति से करती हूँ। क्या पति? हाँ अखिल, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं ये बात तुम्हें पहले नहीं बता सकी, लेकिन सच कहूँ तो बहुत टाइम से तुम्हें बताना चाहती थी। मैं सब जानता हूँ रितिका। अरे मैं तो क्या, पूरा कॉलेज जानता है कि तुम शादीशुदा हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजे करना चाहता था। अखिल की बातों को सुनकर रितिका के होश उड़ जाते हैं। वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और रोहन के गले लगकर रोने लगती है। रोहन उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दीजिए रोहन जी, मैंने आपको धोखा दिया। मैं जानता हूँ रितिका, तुम किसी और से प्यार करती हो। देखो अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं नहीं रोहन जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सच कह रही हूँ। इसके बाद रोहन रितिका को माफ कर देता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और रितिका अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करती है। गुंजन एक समझदार और अपने जिंदगी में बहुत सीरियस रहने वाली लड़की थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।